हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। यही वीडियो रे सबु इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन गुड़ी करो तारो अर्थ एवं तारो व्यवहार को अति क्लियरली एवं अति सिंपल वे रे डिस्कशन करा जाय छी। हुए तो वीडियो टी लंबा होई पारे किंतु इंग्रजी को इम्प्रूव करिया पाई एही वीडियो टी बहुत सहाय्य करिवो, तेनु वीडियो टी को थरुटे निश्चित भाबरे शेष पर्यंत देखंतु। फ्रम अर्थात ठारू, कौनसी सेंटेंस रे जदि ठारू बा रु रो सेंस आसे सही स्थान रे हमें फ्रम व्यवहार करता हूँ। अर्थात कौनसी स्थान रु, कौनसी समय रु, किंबा कौनसी सोर्स बा कौनसी उत्स रु। चलंतु यह को एग्जांपल माध्यम रे अति सिंपल वे रे एवं अति क्लियरली बुझिबा। सपोज मु कहली से कटक रु आसी छी, से कटक रु आसी अर्थात कटक रु किंबा कटक ठारु, अर्थात कटक हेउची गोटे स्थान एवं सही स्थान रु किंबा स्थान ठारु जिते बेले सेंस आसे सही समय रे हमें फ्रॉम व्यवहार करता हूँ। अर्थात से कटक रु आसी हि हैज कम फ्रॉम कटक, कटक रु। सही परि भाव रे हमें कहि परिबा आमे माने विद्यालय रु आसिलु, अर्थात विद्यालय रु, विद्यालय होची गोटे स्थान एवं से ही जगार किंबा विद्यालय रु किंबा विद्यालय ठारु जिते बेले से ही सेंस आसे आम फ्रम व्यवहार करता हूँ। जमीक वी केम फ्रम स्कूल, से भाव आम कहीपर यह जंगल रु आसी, इट हैज कम फ्रम जंगल, से मैंने मार्केट रु आसिले, दे केम फ्रम मार्केट। यहीपर भाव जिते बेले कौन स्थान रु किंबा कौन स्थान ठारु रो सेंस आसे सही समय रे हमें फ्रॉम रो व्यवहार करता हूँ। तापर चलत देखा कौन समय ठारु, अर्थात कौन समय जमीक एगार ठारु, आसंता काली ठारु, सोमवार ठारु, यहीपर भाव जो ठारु रो सेंस कौन निश्चित समय बा पॉइंट ऑफ टाइम सहित तो आसे सही समय रे हमें फ्रॉम रो व्यवहार करता हूँ। चलतु या एग्जांपल माध्यम रे बुझा, जमीती मु आसंता काली ठारु विद्यालय को जीवी, आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमरो। टुमरो हूँ गोटे समय बा गोटे पॉइंट ऑफ टाइम, से ही समय जिते आम आसंता काली रु किंबा आसंता काली ठारु रो सेंस जिते बेले आसे से ही समय रे हमें फ्रॉम रो व्यवहार करता हूँ। जमीक आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम टुमरो, मु आसंता काली ठारु विद्यालय को जीवी। आम मैंने एगारटारु पढ़िबू, वी विल स्टडी फ्रॉम 11 AM। आम मैंने दसटारु चारटा पर्यंत पढ़ू, वी रीड फ्रॉम 10 to 4 PM। यहीपर भाव में जिते बेले कौन निर्दिष्ट समय ठारु किंबा कौन निर्दिष्ट समय रु यही सेन्स आसी थाए से ही समय आम फ्रॉम व्यवहार करता हूँ। तापर नेक्स्ट चलत देखा कौन उत्स ठारु किंबा कौन सोर्स ठारु। सपोज मु कहली से मो ठारु एहा सुनिला, से मो ठारु अर्थात फ्रॉम मी, से ही समय रे मु हेउची सोर्स। जमीक जदि मु एग्जांपल द्वारा कहली से मो ठारु एहा सुनिला, हि हियर इट फ्रॉम मी, अर्थात मो ठारु एही सेंटेंस रे उत्स बा सोर्स होची मु, से मो ठारु ही सुनिला, से ही समय रे हमें मो ठारु रो सेंस पई हमें फ्रॉम मी यूज करिबा। जेमिति कि हि हियर इट फ्रॉम मी, जदि मु खबर कागज रु कोनोसी जिंस लेखिली से ही समय रे उत्स बा से सोर्स होची न्यूजपेपर बा खबर कागज, एवं सही सेंटेंस को जदि आम कहीपर मु खबर कागज रु यहाँ को लिखिली, आई रोट इट फ्रॉम न्यूजपेपर। मु गोटे दुकान रु यहाँ किनिली, आई बॉट इट फ्रॉम ए शॉप। यही सेंटेंस रे शॉप हूँ सही उत्स बा सोर्स जहाँ ठारु मु किनिली। एहिपर भाव में आम फ्रॉम रो व्यवहार कौन स्थान ठारु, कौन समय ठारु किंबा कौन सोर्स बा उत्स ठारु जितेबले यही सेंस आसे सेतेबले आम फ्रॉम रो व्यवहार करिबा। ऑफ, ऑफ, ऑफ को आम कित व्यवहार करता हूँ जिते बेले कौन जिनस कौन गोटे पृष्ठर अलग हुए से ही सेन्स पृष्ठ रु बा पृष्ठ ठारु यही जो रु किंबा ठारु रो सेन्स आसुची से ही समय रे आम ओ एफ एफ ऑफ रो व्यवहार करता हूँ। मन करूँ गोटे टेबुल गोटे बही अच्छी,
एवं जदि मु बहीटी को उठेली से ही समय रे से ही बहीटी टेबुल रो पृष्ठ को छाड़ी बो से ही समय रे आमे से ही टेबुल रू अर्थात यही टेबुल रू रो जो सेंस आछुची से ही समय रे आमे ओ एफ एफ ऑफ रो व्यवहार करिबा। सेही बुरी भाव रे जदि जणे व्यक्ति घोड़ा उपरे बसीची एवं जदि से घोड़ा उपरु पड़ीगला से ही समय रे से घोड़ा रो उपरु अलगा हैला अर्थात से ही समय जिते आम घोड़ा रू बा घोड़ा ठारू रो सेंस आसे से ही समय रे आम अफ रो व्यवहार करिबा। एवं यहाँ एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा आगरु आम आ गोटे कनसेप्ट जानिबा जहाँ कि होची गेट अप एवं ताहाला कौन सी जानवाहन रो जमीती है उड़ाजहाज है कार है बस है जेकोसी जानवाहन रो जिते आम से ही जानवाहन रु ओल्लवा से ही समय आम गेट अप रो व्यवहार करिबा। एवं जिते बेले उड़ाजहाज टी तलु ऊपर को जाई थाए से ही समय रे हमें टेक ऑफ रो व्यवहार करता हूं कारण यही समय रे से ही एरोप्लेन टी भूमि को छाड़ी ऊपर को जाई थाए अर्थात से भूमि को छाड़ी थाए से ही समय रे हमें ताकू टेक ऑफ कहता हूं। चलंतु ऑफ रो एग्जांपल माध्यम रे क्लियरली एवं अति सिंपल वे रे बुझीबा। सपोज मु कहली टेबल रु बही को नियो अर्थात यही समय रे जिते बेले मु बही नेबी अर्थात से बही नियो यही सेंस रे जिते बेले आसुची अर्थात टेबुल रु यही सेंस आसुची जितने टेबुल रु यह सेंस आसवा से ही समय आम अफ रो व्यवहार करवा जमीक टेक द बुक अफ द टेबुल टेक द बुक अफ द टेबुल से ही समय आम फ्रम द टेबुल व्यवहार करवा एप्रोप्रिएट हेबो ना तारु बेसी एप्रोप्रिएट हेबो अफ कारण से ही समय टेबुल रु बहीटी ता पृष्ठ रु अलग हेबो से ही समय आम अफ द टेबुल व्यवहार करवा जमीक टेक द बुक ऑफ द टेबल से घोड़ा रु पड़ी गले सी फेल ऑफ द हॉर्स अर्थात से घोड़ा रु ऑफ द हॉर्स मु स्क्रीन रु धूली हटेली आई वाइप्ड ऑफ द स्क्रीन जदि मु कहली गछ रु आंब पड़ीला मैंगो फेल ऑफ द ट्री से कार रु ओल्हाइले ही गॉट ऑफ द कार। एही परि भाबरे आमे जदि कोनोसी ऑब्जेक्ट गोटे भूपृष्ठ रु अलग हेउची सही समय रे आमे अफ रो व्यवहार करितौ। सिंस सिंस रो अर्थ हला थारु आमे सिंस को केते बेले व्यवहार करिबा जिते बेले कोनसी निश्चित समय रो सेंस आसे सेते बेले आमे सिंस रो व्यवहार करिबा जेमिति कि 7 टारु 12 टारु सोमवार रो सकाल रो किमा जनवरी रो फेब्रुवारी रो 2018 रो 2020 रो एही परिभाव रे जिते बेले कोनसी निश्चित समय पूर्व रो थारु रो सेंस आसी दै सही समय रे आमे सिंस रो व्यवहार करितौ जमीती कि 7 सिंस 7 एम सोमवार रु सिंस मंडे रविवार रु सिंस संडे मंगलवार रु सिंस ट्यूसडे जनवरी रु सिंस जनवरी फेब्रुवारी रु सिंस फेब्रुवारी 2018 रु सिंस 2018 2020 रु सिंस 2020 सकाल रु सिंस मॉर्निंग संध्या रु सिंस इवनिंग गतकाली ठारु सिंस यस्टरडे सही दिन ठारु सिंस दैट डे बाल्यकाल रु सिंस चाइल्डहुड जन्म रु सिंस बार्थ एही परि भाबरे जेते बेले कोनसी समय सहित बा कोनसी निश्चित समय सहित ठारु रो सेंस अर्थात कोनसी निश्चित समय सहित ठारु लागी कि आसे सही समय रे आमे सिंस रो व्यवहार करितौ। चलंतु एहा वाक्य रे क्लियरली बुझिबा जदि मु कहली से 3 रु पढ़ी आसुअछि सही समय रे आमे 3 जाकि होछि गुटे निश्चित समय सही समय रे आमे सिंस रो व्यवहार करबा जेमिति कि ही हैज बीन स्टडिंग सिंस 3 एएम आमे माने सकालो रु खेली आसुछु वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग से काली थारु काम करी आसुछि ही हैज बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे सकालो थारु वर्षा हे आसुछि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग मु एठारु 2015 टारु रही आसुअछि आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2015 किंबा सिंस मंडे सिंस जनवरी एपरि भाव आमे कोनोसी निश्चित समय सहित जदि
ठारू लागी की आसुची सही समय रे आमे सिंस रो व्यवहार करी थौ। I have been playing cricket since 3 years or I have been playing cricket for 3 years। ehi sentence re since 3 years hebo na for 3 years hebo chalantu ehi video re since ebong for bitare difference kon clearly ebong ati simple way re bujhiba। ehara previous video re since ra byabahar ame ati simple way re bujhitila। सिंस को आम केते बेले व्यवहार करतला जिते बेले कोनसी गुटे निर्दिष्ट समय सहित थारु जदि लागी किया सूची सही समय रे आम सिंस रो व्यवहार करतला। जेमिति कि 7 तारु सिंस 7 एएम सोमवार थारु सिंस मंडे जनवरी थारु सिंस जनवरी 2018 थारु सिंस 2018 एही पूर्व भाबरे कोनसी निर्दिष्ट समय सहित जदि थारु लागी किया सूची सही समय रे आमे सिंस रो व्यवहार करतला। किंतु फॉर को आमे केते बेले व्यवहार करिबा जेते बेले कोनोसी सेंटेंस रे जदि समय रो परिमाण देछि जेमिति कि हला 5 सेकंड रु 5 मिनिट रु 5 घंटा रु 5 दिन रु 5 सप्ताह रु 5 मास रु किंबा 5 वर्ष रु जेते बेले एही परिभाव रे कोनोसी समय रो परिमाण आसे सही समय रे आमे फॉर रो व्यवहार करतौ। जेमिति कि जदि मु कहली 5 सेकेंड रु फॉर 5 सेकेंड्स 5 मिनिट रु फॉर 5 मिनिट्स 5 घंटा रु फॉर 5 आवर्स 5 दिन रु फॉर 5 डेज 5 सप्ताह रु फॉर 5 वीक्स 5 वर्ष रु फॉर 5 इयर्स एही परिवार रे जिते बेले कोनसी सेंटेंस रे समय रो परिमाण अर्थात अमाउंट ऑफ टाइम आसी दाय सही समय रे हमें फॉर रो व्यवहार करता हूं। एवं जेते बेले पॉइंट ऑफ टाइम कोनोसी निर्दिष्ट समय आसी थाए सेही समय रे आमे सिंस रो व्यवहार करथौ। चलंतु याकु एग्जांपल माध्यम रे अति क्लियरली एवं अति इजी वे रे बुझिबा। मना करंतु मु जणकु अपेक्षा करिछि एवं 10टा रु नै कि 12टा पर्यंत अपेक्षा कलि। सेही समय रे जदि मु 10टा रु अपेक्षा करिछि अर्थात 10टा रु एही सेंस जेते बेले आसे मु सिंस रो व्यवहार करिवि एवं जदि आमे 2 घंटा रु एहा को कहय पय चाहिबा फॉर 2 आवर्स कहि परबा। जेमि देखि आई हैव बीन वेटिंग सिंस 10 एएम किंतु आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। मने करंतु जण व्यक्ति जनवरी तारु इंग्रजी सिखि आसु अछि एवं तार सिखिवार समय आजि पर्यंत 3 मास हला तो सही समय रे जितो लाले आमे जनवरी को मेंशन करिवा सही समय रे आमे सिंस रो व्यवहार करिवा। जेमि देखि He has been learning English since January. किंतु जदि आमे 3 मास रु से सिखि आसुची सेही सेंस रे आमे कहबा तो आमे कहि परबा He has been learning English for 3 months. एबरे ओरे अनेक गुडी आमे एग्जांपल ले परबा जेमिति कि I have been playing cricket since 2017 किंतु I have been playing cricket for 3 years. We have been walking for 3 hours we have been walking since morning ei sentence re morning jaitu gute nirdishta samay sei samay re ame since ro byabahar kariba। we have been living here for 5 days we have been living here since monday ei puri bhabare since konsi nirdishta samay soita ame byabahar kariba ebong for ku konsi samay ro parimar jemiti ki for a period of time for a long time for a while for many days एपरि भावे आम फॉर को कौन सी समय परिमाण सहित व्यवहार करिबा। बाय बायर अर्थ द्वारा साधारणतः आम बाय को द्वारा यही सेन्स व्यवहार करता हूं। किंतु चलंतु यार आउ केते गुड़िया व्यवहार देखिबा। बाय को द्वारा रे पर्यंत एवं पासपरे यही चारोटी सेंस रे बाय को आमे व्यवहार करथौ। चलंतु गोटिए गोटिए करी एग्जांपल माध्यम रे अति सिंपल वे रे एवं अति क्लियरली बुझिबा।
फास्ट देखिबा बाय द्वारा सेंस रे जदि मु कहली आंबो मो द्वारा खिया हुए एही समय रे आमे कहि परबा मैंगो इज ईटन बाय मी मो द्वारा से शिक्षकक द्वारा दंडित हेला ही वाज पनिश्ड बाय द टीचर से शिक्षकक द्वारा एही मंदिर टी तांक द्वारा निर्मित हेला दिस टेंपल बाय हिम एही परि भाबरे बाय को आमे द्वारा सेंस रे व्यवहार करबा तापर चलंतु देखिबा बाय को आमे रे सेंस रे केते बेले व्यवहार करबा मो ट्रेन रे यात्रा कली आई ट्रैवल बाय ट्रेन से बस रे एठाकू आसीले ही केम हियर बाय बस मु मोटरसाइकिल रे ऑफिस कु जाए आई गो टू ऑफिस बाय बाइक एही परि भाबरे जते बेले कोनसी सेंटेंस रे कोनसी जानवाहन रे ए सेंस आसे सेही समय रे बाय कु व्यवहार करथौ तापर चलंतु देखिबा बाय रो पर्यंत केते बेले पर्यंत सेंस आसुतिबा समय रे मैं बाय कु व्यवहार करिबा मु 7टा पर्यंत स्टेशन कु पहुचिबी आई विल रीच द स्टेशन बाय 7 o'clock से संध्या पर्यंत एही कामटी कु सारिबो He will finish this work by evening. मु 10टा पर्यंत विद्यालय कु जाए I go to school by 10 o'clock. एही परि भाबरे जेते बेले समय सहित पर्यंत र सेंस आसे बेले बेले सेही स्थान रे मैं बाय रो व्यवहार मध्य करितौ तापर चलंतु लास्ट देखिबा बाय केते बेले पास परे एही अर्थ रे व्यवहार होइताय से मु पास परे बसीछि He is sitting by me. Suppose मो पाखरे जणे बसीची एवं सही समय रे मु कहि परबी He is sitting by me. से मो पास परे बसीची. स्कूल पास परे अछि. The school is by the temple. मु मो ऑफिस पास परे रहे. I live by my office. एही सेंटेंस गुडा करे जदी आमे चाहिबा बाय स्थान रे नेक्स्ट टू व्यवहार करि परबा एडजेसेंट व्यवहार करि परबा किंबा बिसाइड मध्य व्यवहार करि परबा जेमिति कि सी इज सिटिंग बाय मी एहा मध्य करेक्ट सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी से मो पास परे बसिची सी इज सिटिंग बिसाइड मी एहा मध्य करेक्ट सी इज सिटिंग एडजेसेंट एहा मध्य करेक्ट अर्थात बाय को आमे बेले बेले द्वारा रे पर्यंत एवं पास परे एही सेंस गुडा करे मध्ये आमे बाय को व्यवहार करता चलो तो W I T H with जार अर्थ सहित किंतु with शब्द टी केवल सहित सेंस रे न आसी ता सहित रे एवं द्वारा एही सेंस गुडा करे मध्ये आसी थाए चलंतु याकु एग्जांपल माध्यम रे अति क्लियरली बुझिबा मु गोटे छुरी द्वारा आंब को काटिली आई कट द मैंगो विथ ए नाइफ एही सेंस रे छुरी द्वारा किमा छुरी रे एही सेंस पय आमे विथ ए नाइफ को व्यवहार करिबा से गोटे कलम द्वारा चिट्ठी टिए लिखिले ही रोट ए लेटर विथ ए पेन मु जाल द्वारा किछि माछ धरिली I caught some fish with net. एही परि भाबरे रे एवं द्वारा सेंस रे मध्ये आमे बेले बेले विथ रो व्यवहार करता हूं तापर चलंतु देखिबा सहित ए सेंस रे केते बेले आमे व्यवहार करता हूं से मो सहित सर्वदा अचंती ही इज ऑलवेज विथ मी एही समय रे विथ रो अर्थ सहित एही सेंस रे व्यवहार होछि मु मो संग मानक सहित विद्यालय को जाए आई गो टू स्कूल विथ माय फ्रेंड्स से माने आंबो मानक सहित क्रिकेट खेलंती दे प्ले क्रिकेट विथ अस एही परि भाबरे विथ रो व्यवहार आमे सहित सेंस रे मध्ये करितौ एवं रे किंबा द्वारा सेंस रे मध्ये व्यवहार करितौ चलो जेते बेले कोनोसी सेंटेंस रे कोनोसी समय रो उल्लेख करा जाय थाए एवं सही समय पूर्वरु जदि प्रीपोजिशन रो आवश्यकता पड़ी थाए तेबे एट एवं इन एवं ऑन मध्यरु आमे क्यों प्रीपोजिशन को सही समय पूर्वरु बसैबा
जमीती जदि मुझे कहली सातटारे सोमवार दिन में जानुरी मसने 1950 मसीहपर भाव में जितेबले कौन सी सेन्टेन्स समय उल्लेख कर समय गुड़िक पूर्वर आम एट इन एवं ऑन मध्यरु क्यों प्रिपरेशन को व्यवहार करिबा चलंतु एही वीडियो रे अति क्लियरली एवं अति सिंपल वे रे बुझिबा जितेबेले एट ऑन एवं इन कोनसी समय पूर्वरु आसीताय सही समय रे एहार अर्थ रे सेंस रे व्यवहार होताय जेमिति कि 60टा रे सोमवार दिन रे जनवरी मास रे 1950 मसिया रे एहीपरि भाव में जितेबले कौन सी समय सहित रे रो सेंस आए से आम एट ऑन एवं इन मध्य जेको गोटे को व्यवहार कर चलतु फास्ट देखा एट एट को आम के समय पूर्वर व्यवहार करवा जितेबले कौन सी सेन्टेन्स कौन सी निर्दिष्ट समय विषय कहूर्वर आम एट र्यवहार करवा जमीती जदि मुझे कहली सातटारे तो सात हो गए निर्दिष्ट समय से सातटा पूर्व आम एट को व्यवहार करवा जमीती कि एट 7 o'clock से भाव में आठटारे मुझे कहली एट 8 o'clock बारटारे कहली एट 12 o'clock जदि मुझे कहली 3:45 एट 3:45 यह भाव में जितेबले कौन सी सेन्टेन्स निर्दिष्ट समय आसी थाए ता पूर्वर आम एट को व्यवहार कर चलतु या एग्जांपल मध्यम बुझा जमीक जदि मुझे कहली मोर मीटिंग 11:00 अच्छी माय मीटिंग इज एट 11 a.m. और 11 o'clock ट्रेन टी 10:45 छाड़ी थाए तो ट्रेन डिपार्ट्स एट 10:45 10:30 आम क्लास स्टार्ट हुए आवर क्लास स्टार्ट्स एट 10:30 a.m. यहीपर भाव में आम कौन निर्दिष्ट समय सहित एट व्यवहार करता सहित आम इन किंबा ऑन व्यवहार कर न था जमीती कि ऑन 7 a.m. कि इन 7 a.m. यहपर भाव में कहवा ताल तापर आम एट को नाइट सहित आम व्यवहार करमती जदि मुझे कहली हि कान ड्राइव एट नाइट नाइट सहित आम एट को व्यवहार कर कारण हुए तो नाइट टी लंबा समय होता है किंतु तथापि नाइट को आम गोटे समय बोली धरी था भाव में आम सनसेट पूर्व आम एट को व्यवहार करता हूँ जमीती कि वी वाक अराउंड द लेक एट नाइट किंबा एट सनसेट यहाँ चलते देखा ऑन रो व्यवहार क्यों समय सहित आम ऑन को व्यवहार करता हूँ जितेबले कौन सी सेंटेंस रे गोटे दिन किंबा गोटे तारीख अर्थात डे किंबा डेट पूर्व आम ऑन को व्यवहार करता हूँ जमीती कि सोमवार दिन ऑन मंडे शुक्रवार दिन ऑन फ्राइडे रविवार दिन ऑन संडे एवं डेट रो पूर्वर जमीती कि 15 अगस्त दिन ऑन 15 अगस्त जनवरी 26 ऑन 26 जनवरी नुआ वर्ष दिन ऑन न्यू ईयर अक्टोबर 2 तारीख ऑन 2 अक्टोबर यहीपर भाव में जितेबले कौन दिन किंबा कौन तारीख रो पूर्वर आम ऑन को व्यवहार करता हूँ चलते या एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा जदि मुझे कहली मु रविवार दिन पुरी को जाऊँ आई एम गोइंग टू पुरी ऑन मो जन्मदिन अक्टोबर 2 तारीख दिन माय बर्थडे इज ऑन 2 अक्टोबर आई वेंट देयर ऑन न्यू ईयर किंबा आई वेंट देयर ऑन क्रिसमस यहीपर भाव में कौन दिन किंबा कौन तारीख रूर्व आम ऑन को व्यवहार करतापर चलत देखा इन रवहार आम के समय पूर्व करवा जो समय अधिक टाइम लिमिट उल्लेख करापूर्वर आम इन रवहार करवा जमीती कि जदि मुझे कहली जानुरी मसरे इन जानुरी फेब्रुआरी मसरे इन फेब्रुआरी मार्च मसरे इन मार्च ग्रीष्म ऋतु इन समर शीत ऋतु इन विंटर 1947 इन 1947 1950 मसीह इन 1950 2015 मसीह इन 2050 भाव में जितेबले टाइम लिमिट अधिक होइतिबो सही समय रे आमे इन रो व्यवहार करिबा चलतु याकु एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा मु सकाल रे विद्यालय को जाए आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग अर्थात ए सेंटेंस रे मॉर्निंग जाकु कि आमे सकाल 5:00 रु दिन 12:00 पर्यंत मॉर्निंग कहता तिनु जेहेतु या गोटे लंबा समय पूर्व रु आमे इन रो व्यवहार करिबा जेमिति कि I go to school in the morning बदल रे आम इन द इवनिंग कहीपरिया शीत ऋतु बहुत ठंडा हुए
इट्स वेरी कोल्ड इन विंटर मु फेब्रुवारी मासरे पुरी को जीवी आई विल गो टू पुरी इन फेब्रुवारी एहि मंदिरटी 1950 मसेरे निर्मित होइतिला दिस टेम्पल वाज बिल्ड इन 1950 एहि परि भाबरे लंबा समय सहित आमे इन रो व्यवहार करथौ एहि वीडियो रे आमे सिखिला जे एट कोनोसी निर्दिष्ट समय सहित व्यवहार करा जाय थाय जेमिति कि एट 7 ओ क्लॉक एट 12 एएम किंबा एट नाइट तबरे ऑन को आमे केते बेले व्यवहार करथौ कोनोसी दिन किंबा कोनोसी तारीख रस पूर्व रु आमे ऑन को व्यवहार करथौ जेमिति कि ऑन मंडे ऑन संडे ऑन ट्यूसडे किंबा ऑन 26 जनवरी ऑन 15 अगस्त तापर जिते बेले कोनोसी लंबा समय आसी थाय ता पूर्व रु आमे इन को व्यवहार करथौ जेमिति कि हला इन द मॉर्निंग हला इन द इवनिंग हला इन जनवरी हला इन 1950 हला किंबा इन 19 सेंचुरी हला एई परि भाबरे आमे इन को व्यवहार करथौ एट इन एवं ऑन को क्यों स्थान पूर्व व्यवहार करा जाए ताहा आमे अति क्लियरली एवं अति सिंपल वे रे बुझिबा कोनोसी सेंटेंस रे जदी कोनोसी स्थान विषय उल्लेख करा जाय थाय एवं सही स्थान सहित रे रो सेंस लागी कि आसी थाय सही समय रे आमे एट इन किंबा ऑन को व्यवहार करथौ साधारणत आमे एट रो अर्थ ठारे इन रो अर्थ भितरे एवं ऑन रो अर्थ उपरे एहा को आमे आगरु पढ़िछु किंतु जितेबेले कोनोसी स्थान सहित एट किंबा इन किंबा ऑन लागी कि आसे सही समय रे रे किंबा ठारे अर्थ रे मध्य व्यवहार होइता जेमिति कि हला भारत रे भारत हेउछि गुटे स्थान एवं ता सहित रे लागी कि आसुछि एणु एट किंबा इन किंबा ऑन एही तीनिटी प्रिपोजिशन मध्यरु आमे गोटिए को व्यवहार करिबा सेपरि हला ओडिसा रे हला भुवनेश्वर रे हला अमेरिका रे हला घरे हला विद्यालय रे हला स्टेशन रे हला एपरि कोनोसी सेंटेंस रे कोनोसी स्थान सहित रे रो सेंस जदि लागी कि आसे सेही समय रे आमे एट इन किंबा ऑन को व्यवहार करबा एही वीडियो रे आमे एट ऑन एवं इन को गोटिए गोटिए करी अति सिंपल वे रे एवं अति क्लियर वे रे डिस्कशन करबा एवं तापरे देखिबा कोनोसी सेंटेंस रे जदि दुईटी स्थान उल्लेख अछि क्यों स्थान सहित आम क्यों प्रिपरेशन को लगेबा ताहा मध्य सिखिबा एवं लास्ट को देखिबा कोनसी गुटिए सेंटेंस रे अलग अलग प्रिपरेशन व्यवहार करके सही सेंटेंस रो मीनिंग की बोली चेंज होजी ताहा को मध्य आम अति सिंपल वे रे सिखिबा तो चलन तो फर्स्ट देखिबा एट एट को साधारणत आम कोनसी गुटिए निर्दिष्ट स्थान किंबा कोनसी गुटिए छोट स्थान सहित आम एट को व्यवहार करता जेमिति कि जदि मु कहली घरे तो घर हेउची गुटे छोट स्थान तेणु से घर सहित आम एट को व्यवहार करवा जेमिति कि एट होम हला से भावे बस स्टॉप पूर्व आम एट को व्यवहार करवा जेमिति कि हला एट बस स्टॉप स्टेशन पूर्व आम व्यवहार करवा जेमिति कि एट द स्टेशन विद्यालय रे एट स्कूल जदि आम एट को सेंटेंस रे बुझिबा ताहाले आम कहपर जदि मु कहली से स्टेशन रे अपेक्षा करिछि He is waiting at the station. जदि मु कहली से रामगढ़ रे रहे He lives at रामगढ़ रामगढ़ हेउछि गोटे छोट गाँ तेणु ए छोट स्थान होइतिबारु किमा निर्दिष्ट स्थान होइतिबारु आमे ता पूर्वरु एट को व्यवहार करिबा सेहिपरि भाबरे जदि मु कहली दोकानटी रास्तार शेषरे अछि द शॉप इज एट द एंड अफ द स्ट्रीट तापरे आमे नेक्स्ट प्रिपोजिशन को देखिबा जहाँ कि हेउछि इन इन को साधारणत आम भितर यही सेन्स व्यवहार करता किंतु जिते बेले कौनसी गोटे बड़ स्थान सहित रे रो सेन्स लागी कि आसे ता सहित आम इन को व्यवहार करवा जमीती कि जदि मु कहली भारत रे तो भारत हूँ गोटे बड़ स्थान ता पूर्व आम इन को व्यवहार करवा जमीती कि भारत रे इन इंडिया ओडिशा रे इन ओडिशा भुवनेश्वर रे इन भुवनेश्वर संबलपुर रे इन संबलपुर एहिपरि भावे जितेबाला कौनसी सेंटेंस रे गोटे बड़ स्थान सहित रे रो सेंस लागी कि आसे ता सहित आम इन को व्यवहार करथौ जमीती कि जदि मु कहली मु भारत रे रहे किंबा मु भारत रे बास करे आई लिव इन इंडिया मु ओडिशा रे बास करे आई लिव इन ओडिशा मु भुवनेश्वर रे रहे आई लिव इन भुवनेश्वर एहिपरि भावे जितेबाला कौनसी सेंटेंस रे बड़ स्थान सहित रे रो सेंस लागी कि आसे ता पूर्व आम इनको व्यवहार करा
किंवा मुँ कहीपरि आई लिव इन शक्तिनगर मु शक्तिनगर रे रहे किंतु जदि कौनसी सेंटेंस रे दुईटी स्थान उल्लेख अछि तो सही स्थान गुड़िक आम क्यों प्रिपोजिशन को व्यवहार करवा जदि मु कहली मु बरगढ़ रो शक्तिनगर रे बास करे तो यही सेंटेंस रे शक्तिनगर गोटे स्थान एवं बरगढ़ हूँ आ गोटे स्थान तो यही स्थान गुड़िक आम इन शक्तिनगर एवं इन बरगढ़ व्यवहार करवा ना एट शक्तिनगर किंबा एट बरगढ़ व्यवहार करवा जितेबले कौनसी सेंटेंस रे दुईटी स्थान उल्लेख थी तो से ही दुईटी स्थान मध्य जो स्थान टी छोट हो पूर्व आम एट को व्यवहार करवा जो स्थान टी बड़ हो पूर्व आम इन को व्यवहार करवा जमीक आई लिव एट शक्तिनगर इन बरगढ़ मु बरगढ़ शक्तिनगर में बास करे किंबा आम कहीपर जदि मु कहली मुशार बरगढ़ जिले में बास करे तो यही सेंटेन्स बरगढ़ हूँ छोट स्थान ओडिशा हूँ बड़ स्थान तो आम ओडिशा पूर्व इन व्यवहार करवा एवं बरगढ़ पूर्व आम एट को व्यवहार करवा जिते बिल आम इंग्राजी लिखा छोट स्थान को स्टार्टिंग रु लिखा एवं तापर जाए बड़ स्थान को लिखा जमीक मुझेपर आई लिव एट बरगढ़ इन ओडिशा जदि मु कहली मु भारत ओडिशा रे बास करे आई लिव एट ओडिशा इन इंडिया एकपर भाव में जदि कौन सेंटेन्स दुईटी स्थान उल्लेख अच्छी ताहले छोट स्थान पूर्व आम एट को व्यवहार करवा एवं बड़ स्थान पूर्व आम इन को व्यवहार करवा कौन स्थान जदि आबद्ध होती सेन्स आम कहवा ताहले से ही स्थान पूर्व आम इन को व्यवहार करवा जदि मुँ कहली बक्स भितर या रख पुट इट इन द बक्स बक्स हूँ गोटे आबद्ध स्थान तेणु ता भितर यही सेन्स आसे ता पूर्व आम इन को व्यवहार करवा इन को आम कौन छोट जान बाहन पूर्व आम व्यवहार करवा जमीक इन ए कार इन ए बोट किंतु आम बड़ जान बाहन सहित कौन व्यवहार करवा बड़ जान बाहन सहित आम अन् को व्यवहार करवा जमीक अन् ए बस अन् ए ट्रेन अन् ए प्लेन तापर लास्ट को चलते देखा अन् अन् रे किंबा उपरे अन् को आम के व्यवहार करवा जितेबले कौन गोटे जिनस कौन अन्य गोटे स्थान टच होता छुईकी थाए एवं से सरफेस को छुईकी थाए से ही समय जितेबले उपर सेन्स आसे ता पूर्व आम अन् को व्यवहार करवा जमीक जदि मुँ कहली बहीटी टेबुल उपरे अच्छी ताल से ही बहीटी टेबुल सरफेस को छुईकी अच्छी तो से ही समय आम अन् द टेबुल व्यवहार करवा जमीक द बुक इज अन् द टेबुल से पर अन् द फ्लोर चटाण उपरे कि चटाण रे बेंच उपरे फ्रिज उपरे टेबुल उपरे अन् द चेयर अन् द बेंच अन् द बुक यहीपर भाव में आम कौन गोटे जिनस अन्य कौन गोटे जिनस उपरे अच्छी तार सरफेस को छुईकी अच्छी से ही स्थान आम अन् को व्यवहार करवा चलतु या एग्जांपल माध्यम रे बुझा मो मोबाइल को टेबुल उपरे छाड़ीगली आई लेफ्ट माय मोबाइल अन् द टेबुल बेंच उपरे बहीटी अच्छी द बुक इज अन् द बेंच अन् को आम बड़ जान बाहन सहित व्यवहार करमीक अन् ए बस अन् द ट्रेन अन् ए प्लेन जितेबले मु फोन कली से ट्रेन रे थिले ही वाज अन् द ट्रेन व्हेन आई फोन से यही पटोटी को कांथ उपरे झुलाइले कि हंग द पिक्चर अन् द वाल अर्थात से ही फोटोटी से कांथर सरफेस को लागिकी अच्छी लास्ट देखिबा आम गोटे सेंटेन्स अलग अलग प्रिपोजिशन व्यवहार करी आम से सेंटेन्स अर्थ को किपर भाव चेंज करी कहली हि इज सिटिंग अन् द टेबुल अर्थ है टेबुल उपरे जड़े व्यक्ति बसीचि किंतु जदि मु कहली हि इज सिटिंग एट द टेबुल एट द टेबुल अर्थात से टेबुल बसीचि ता अर्थ यह नुहे कि से टेबुल उपरे बसीचि मन करंतु जणे व्यक्ति कौन रेस्टोरेंट किंबा कौन होटेल को गला टेबुल एवं चौकी जो जगार अच्छी से गोटे टेबुल पाखे थी चौकी उपरे बसला से ही समय आम एट द टेबुल व्यवहार करवा जमीक हि इज सिटिंग एट द टेबुल अर्थात से चेयर उपर बसी किंतु ता पाखे टेबुल अच्छी तापर आम कहीपर हि इज ड्रिलिंग इन द टेबुल अर्थात से होल बनवाप से ड्रिलिंग कर He is drilling in the table. से टेबुल को ड्रिल करुछि
अर्थात यही सेंटेंस गुड़ा करे हमें जानी परला जे गोटिए प्रीपोजिशन सेंटेंस रो अर्थ को चेंज करी पर जेमित की एट द टेबल अर्थात से टेबल पाखरे तिबा चेयर ऊपर बसी छि एवं जदी हमें ऑन द टेबल कहला ताले से टेबल रो ऊपर बा टेबल रो सरफेस रे बसी छि एवं जदी हमें इन द टेबल व्यवहार कला तात से टेबल को होल करू छि सेही परि बारे हमें आउ गुटे एग्जांपल लेबा जदी मु कहली ही इज स्टैंडिंग एट द डोर से डोर पाखरे बा कबाट पाखरे छिड़ा होई छि एही स्थान रे हमें एट द डोर अर्थात एट को व्यवहार कला एवं अन्य गुटे सेंटेंस रे जदी मु कहली ही इज नॉकिंग ऑन द डोर से कबाट रे नॉक करू छि बा ठक ठक करू छि एही सेंटेंस रे हमें एट द डोर कहि मानी एही सेंटेंस रे हमें ऑन द डोर कहबा अर्थात से कबाट रे ठक ठक करू छि ही इज नॉकिंग ऑन द डोर एवं सही डोर पूर्व रु आमे यदि इन को व्यवहार करबा जेमेदि कि ही इज मेकिंग ए होल इन द डोर से कबाट रे गोटिए होल तयारी करू छि एही परि भाव रे आमे आउ केते गुडे सेंटेंस नै परबा जेमेदि कि यदि मु कहले कीप इट इन द फ्रिज अर्थात फ्रिज भितरे रख किंतु यदि मु कहले कीप इट ऑन द फ्रिज ताहेले मु कहू छि फ्रिज रो ऊपर रख ताकू फ्रिज को बिना खोलि कि ता ऊपरे रख से परी जदि मु कहली ही इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट जितेले मु ऑन द स्ट्रीट कहबी अर्थात से रास्ता रो साइड रे चालू छि किमा रास्ता सहित बा रास्ता रो साइड रे चालू छि किंतु जदि मु कहली ही इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट एही सेंटेंस रे सही व्यक्ति टी रास्ता रो मझी रे बा मिडिल रे चालू छि ही इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट जदि मु कहली मु गोटे होटल रे अछि आई एम एट ए होटल मना करन तो जणा मते पचारिला वेयर आर यू तुमे केउ थारे अछ सही स्थान रे मु केउ थारे अछि बा मोर लोकेशन कहिया पई मु कहि परिबे आई एम एट ए होटल होए त मु होटल भितरे न थाए होटल रो सेई गार्डन रे किमा स्विमिंग पूल रे थाई पारे किंतु मु मोर लोकेशन को जेतेले कहूछि बा मोर निर्दिष्ट ठिकाना को जेतेले कहिबि सेही स्थान रे आमे एट को व्यवहार करबा किंतु जदी जणा व्यक्ति होटल रे अछि एवं मु मध्य होटल अछि किंतु से स्विमिंग पूल किमा गार्डन रे अछि एवं मु होटल रो रूम रे अछि तो सही स्थान रे जदि से फोन करी कि मते पचारिला एवं कहिला कि वेयर आर यू तुमे केउ थारे अछ जदि मु रूम रे थिबि तो सही स्थान रे मु आई एम एट द होटल न कहि कि मु कहि परिबि आई एम इन द होटल अर्थात जेते बेले आमे कोनसी प्रीपोजिशन को व्यवहार करबा से वाक्य रो सेंस को एवं तारो मीनिंग को अति क्लियरली बुझिला परे जाय आमे कोनसी प्रीपोजिशन को व्यवहार करबा होसी टूर अर्थ कौन एवं टुवार्ड्स रो अर्थ कौन टू को हमें क्यों प्रकार सेंटेंस रे व्यवहार करिवा एवं टुवार्ड्स को हमें क्यों प्रकार सेंटेंस रे व्यवहार करिवा टू टू रो अर्थ हैला कु जेमिति कि विद्यालय को टू स्कूल बगीचा को टू गार्डन हॉस्पिटल को टू हॉस्पिटल मार्केट को टू मार्केट एही परिभाव रे जेउ सेंटेंस रे कु रो सेंस आसे सही समय रे हमें टू को व्यवहार करू चलो तो याकू वाक्य रे बुझिबा जदी मु कहली मु विद्यालय को जाऊ छी आई एम गोइंग टू स्कूल विद्यालय को सही परिभाव रे जदी मु कहबी मो संग मो घर को आसु छी माय फ्रेंड इज कमिंग टू आवर होम से ऑफिस को जाऊ छी ही इज गोइंग टू ऑफिस एही परिभाव रे जेउ सेंटेंस रे कु रो सेंस आसी थाए सेते बेले आमे टू को व्यवहार करू तापर अछि टुवार्ड्स टुवार्ड्स रो अर्थ हैला आड़ को बा दिग को बा पट को जेमिति कि सेही पट को एही पट को किंबा सेही आड़ को जदि मु कहली विद्यालय आड़ को टुवार्ड्स स्कूल घर आड़ को टुवार्ड्स होम हॉस्पिटल आड़ को टुवार्ड्स हॉस्पिटल एही परिभाव रे जितेले आड़ को रो सेंस आसे सेही समय रे आमे टुवार्ड्स को व्यवहार करू जेमिति कि जदि मु कहली मु विद्यालय आड़ को जाऊ छी आई एम गोइंग टुवार्ड्स स्कूल टुवार्ड्स स्कूल टुवार्ड्स स्कूल रो अर्थ हैला एहा जरूरी न है कि आमे स्कूल को ही जीवा एहार अर्थ होई पारे कि आमे स्कूल पाखर रहतिबा कोनसी घर किमा कोनसी मंदिर किमा कोनसी ऑफिस को जाई पारू
तेणु टुवार्ड्स अर्थ है से ही दिगक आड़ को यह जरूरी नुहे कि आम से ही स्थान को ही जाऊ से भाव में जदि मु कहली माय फ्रेंड इज कमिंग टुवार्ड्स आवर होम मो सांग आम घर आड़ आसुची माय फ्रेंड इज कमिंग टुवार्ड्स आवर होम अर्थात मो सांग आम घर आड़ आसुची यह जरूरी नुहे कि से आम घर को ही आस हो पारे से आम घर पाखे अन्य कौन सी जगह कोईपे कि से आम घर आड़ को आसुची से ऑफिस आड़ को से ऑफिस पट को जाऊँगी He is going towards office. अर्थात यही सेंटेन्स से ऑफिस आड़ को कि ऑफिस पट को से जाऊँगी यह जरूरी नुहे से ऑफिस को ही जाऊ अंडर माने मध्य तले एवं बीनीत माने मध्य तले किंतु क्यों प्रकार सेंटेंस रे में अंडर व्यवहार करिया एवं केउटारे आमे बीनीत को व्यवहार करिबा फास्ट देखिबा अंडर अंडर आमे केते बेले व्यवहार करिबा जेते बेले कोनोसी गुटे वस्तु अन्य एक वस्तुर तले थिबो किंतु सही वस्तुटी ऊपर वस्तु सहित लागिकी न थिबो बा टच है कि न थिबो चलंतु याकु एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा बिराड़ीटी टेबुल तले अछि द कैट इज अंडर द टेबुल अर्थात एटारे बिराड़ीटी टेबुल रो तले अछि एवं टेबुल टी बिराड़ी को छुई नाही बा बिराड़ीटी टेबुल को टच हे नाही तेनु एही सेंस रे एठारे आमे अंडर रो व्यवहार करिबा जेमिति कि द कैट इज अंडर द टेबुल ए परिभावरे आमे आउ गुडे सेंटेंस नैबा बाघटी गछ तले बसीछि द टाइगर द ट्री एही सेंटेंस रे मध्य से ट्री रो तले बसीछि अर्थात से ट्री रो ऊपर अंश सहित से लागी कि नाही से बाघटी गछ रो तले बसीछि द टाइगर इज अंडर द ट्री से पोल तले थिला हि वाज अंडर द ब्रिज अर्थात से पोलटी ताकु टच करि नाही तेणु यही प्रकार सेंटेंस रे आमे अंडर को व्यवहार करिबा तापर चलंतु देखिबा बिनीत रो अर्थ कोण एवं एहा केउटारे व्यवहार करा जाय बिनीत रो अर्थ मध्य तले एवं बिनीत को आमे केते बेले व्यवहार करिबा जेते बेले कोनसी गुटे ऑब्जेक्ट अन्य गुटे ऑब्जेक्ट द्वारा चापी हे कि थाए ता तले थाए किंतु ताकु संपूर्ण भाबे टच हे कि थाए बा संपूर्ण भाबे छुई हे कि थाए बा संपूर्ण भाबे चापी है कि थाए से सेंटेंस रे बा सही प्रकार जगह रे हमें बिनीत को व्यवहार करवा जमीति कि यहाँ को हमें एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा जमीति कि जदी गुटे पेन अछि एवं ता ऊपर हमें गुटे बही रखि देला सही समय रे हमें जदी से सेंटेंस को कहबा द पेन इज बिनीत द बुक से पेन टी बुक रो बा बही रो तले अछि से बरे माय पर्स इज बिनीत द पिलो मो पर्स टी तकिया तले अच्छी अर्थात से पर्स टी तकिया द्वारा चापी ही की अच्छी बा से पर्स टी तकिया सहित पूरा टच है कि अच्छी राम्स हाउस इज बिनीथ रीतास हाउस रामर घर रीतार घर तले अच्छी यही भाव में आम अंडर एवं बिनीथ को व्यवहार कर एक्सेप्ट एवं बिसाइड्स एक्सेप्ट माने मध्य व्यतीत एवं बिसाइड्स माने मध्य व्यतीत किंतु क्यों प्रकार सेंटेंस रे हमें एक्सेप्ट को व्यवहार करिबा एवं क्यों प्रकार सेंटेंस रे हमें बिसाइड्स को व्यवहार करिबा जेते बेले कोनसी सेंटेंस रे व्यतीत बा कु छाड़ी की एही सेंस आसीबो सही स्थान रे हमें एक्सेप्ट को व्यवहार करिबा एवं जेउ सेंटेंस रे व्यतीत बा आहुरी मध्य एही प्रकार सेंस आसीबो सेही सेंटेंस रे हमें बिसाइड्स को व्यवहार करिबा चलंतु याकु एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा देयर आर मेनी एनिमल्स इन द जू एक्सेप्ट लायन अर्थात एही सेंटेंस रो अर्थ हैला चिड़ियाखाना रे अनेक गुडीय पशु असंती किंतु सिंह को छाड़ी की अर्थात सिंह को छाड़ी की अन्य सब पशु पक्षी असंती किंतु जदि यही सेंटेंस रे हमें बिसाइड्स को व्यवहार करिबा जेमिति कि देयर आर मेनी एनिमल्स इन द जू
besides lion अर्थात lion व्यतीत अर्थात lion मिसिकी आहुरी मध्य अनेक पशु अछंती अर्थात except अर्थ छाड़ी की एवं besides अर्थ आहुरी मध्य जदि मु कहली आई गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट संडे मु रविवार को छाड़ी की बाकी सब दिन विद्यालय को जाए अर्थात मु संडे रे स्कूल को जाए ना किंतु ए सेंटेंस रे हमें यदि बिसाइड्स को व्यवहार करबा आई गो टू स्कूल एवरी डे बिसाइड्स संडे अर्थात संडे दिन मु विद्यालय को जाए एवं ता सहित बाकी सब दिन मध्य मु विद्यालय को जाए I go to school every day except Sunday. ए सेंटेंस रे संडे दिन मु विद्यालय को जाए ना किंतु बाकी दिन जाए एवं I go to school every day besides Sunday. अर्थात संडे व्यतीत अर्थात संडे दिन मध्य मु जाए एवं ता सहित बाकी दिन मध्य मु विद्यालय को जाए जदि मु कहली मो पाखरे इंग्राजी बही व्यतीत बाकी सब बही अछि I have all the books except English book. अर्थात मो पाखरे इंग्राजी बही नाही किंतु इंग्राजी बही छड़ा बाकी सब बही अछि किंतु जदि मु कहली मो पाखरे इंग्राजी बही व्यतीत आहुरी मध्य अनेक बही अछि आई हैव मेनी बुक्स बिसाइड्स इंग्लिश बुक अर्थात मो पाखरे इंग्राजी बही मध्य अछि एवं ता सहित बाकी सब बही मध्य अछि बिटवीन रो अर्थ हैला मध्यरे एमंग रो अर्थ मध्य हैला मध्यरे एवं एमंगस्ट रो अर्थ मध्य हैला मध्यरे किंतु केउ प्रकार सेंटेंस रे हमें बिटवीन को व्यवहार करिबा केउ प्रकार सेंटेंस रे हमें एमंग एवं एमंगस्ट को व्यवहार करिबा फास्ट देखिबा बिटवीन कोनसी दुईटी ऑब्जेक्ट बा दुईटी जिनिस मध्यरे एही सेंस जते बले आसे सही समय रे हमें बिटवीन को व्यवहार करू जेमिति कि जदि मु कहली रीता राहुल एवं रमेश मध्य रे बसी रीता इज सिटिंग बिटवीन राहुल एंड रमेश अर्थात रीता टी दुईटी व्यक्ति मध्य रे बसी प्रकार सेंटेंस रे जितले दुईटी जिनिस दुईटी व्यक्ति दुईटी पशु किमा दुईटी जहा भी हला ता मध्य रे रो जदि सेंस असे सही समय रे हमें बिटवीन को व्यवहार करिबा जदि मु कहली मु पेन टी को दुईटी बही मध्य रे रखिली आई कैप द पेन बिटवीन टू बुक्स किंतु एमंग एवं एमंगस्ट को हमें केते बेले व्यवहार करिबा जेते बेले दुईटी ऑब्जेक्ट रु अधिक थिबो सेते बेले हमें एमंग किबा एमंगस्ट को व्यवहार करिबा किंतु जेते बेले दुईटी ऑब्जेक्ट रु अधिक थिबो किंतु केते जण किमा केतोटी ऑब्जेक्ट अछि ताहा जदि जणा थिबो सेही समय रे हमें एमंग को व्यवहार करिबा किंतु केतोटी ऑब्जेक्ट बा केते जण अछंती ताहा जणा न थिबो सेही समय रे हमें एमंग्स को व्यवहार करिबा जदि मु कहली मु 100 जण व्यक्ति को मध्य रे छीड़ा होई छी अर्थात एही सेंटेंस रे देई छी जे केते जण अर्थात 100 जण 100 पीपल तेणु एही सेंटेंस रे हमें कौन व्यवहार करिबा एही सेंटेंस रे हमें एमंग को व्यवहार करिबा जेमिति कि आई एम स्टैंडिंग एमंग 100 पीपल किंतु जदि मु कोनसी गहली भितरे अछि जेउटारे कि सर्वमोट केते जण अछन्ति ताहा जणा नै सेही स्थान रे हमें एमंगस्ट रो व्यवहार करिबा जेमिति कि आई एम स्टैंडिंग एमंगस्ट द पीपल किबा आई एम स्टैंडिंग एमंगस्ट द क्राउड आई एम एमंग 20 स्टूडेंट्स अर्थात एही सेंटेंस रे दिया होई छि कि 20 जण बोली तेनो हमें एमंग रो व्यवहार करबा आई एम एमंग 20 स्टूडेंट्स ही इज अमंगस्ट मेनी पीपल से बहुत व्यक्ति मानक मध्य रे जणा ही इज अमंगस्ट मेनी पीपल अर्थात जेउ सेंटेंस रे दुईटी ऑब्जेक्ट रो मध्य रे एही सेंस आसीबो सेही स्थान रे हमें बिटवीन रो व्यवहार करबा एवं जदि दुईटी ऑब्जेक्ट मध्यरु अधिक थिबो एवं ताहा केते जण अछंती ताहा जणा थिबो सेही सेंटेंस रे हमें एमंग रो व्यवहार करिबा एवं जेते बेले दुईटी ऑब्जेक्ट रु अधिक थिबो
किंतु केते जन सर्वमोट अछंती किबा केतोटी ऑब्जेक्ट सर्वमोट अछि ताहा जणा न थिवो से सेंटेंस रे हमें अमंगस्ट रो व्यवहार करबो। ओवर माने उच्च उपरे एबव माने मध्य उपरे एवं बिलो माने तले तो एबव एवं ओवर विषय डिफरेंस कौन ताहा को हमे पढ़िबा तापरे ओवर रो आउ केते गुडिये व्यवहार एवं एबव रो आउ केते गुडिये व्यवहार को हमे डिस्कशन करिबा। तो चलंतु फर्स्ट देखिबा ओवर एवं एबव जहार अर्थ की उपरे एही दुईटी प्रिपोजिशन रो डिफरेंस को जानिबा। ओवर माने मध्य उपरे एबव माने मध्य उपरे किंतु केउ प्रकार सिचुएशन रे हमें एबव को व्यवहार करिबा एवं केउ प्रकार सिचुएशन रे हमें ओवर को व्यवहार करिबा। जेते बेले कोनसी गुटे ऑब्जेक्ट अन्य गुटे ऑब्जेक्ट रो सीधा थिवो सही सिचुएशन रे हमें ओवर किंबा एबव को व्यवहार करि परिबा। जेमिति कि जदी मु कहली एक्स इज एबव वाई एहा मध्य करेक्ट एवं x is over y एहा मध्य करेक्ट कारण x टी y रो उपरे अछि बा सीधा उपरे अछि किंतु जदि कोनसी गुटे ऑब्जेक्ट अन्य गुटे ऑब्जेक्ट रो डायरेक्टली सीधा न थाय ता लेवल रो उपरे अछि सेही समय रे हमें एबव को व्यवहार करि परबा किंतु सेही सिचुएशन रे हमें ओवर को व्यवहार करबा नाही। जेमिति कि जदि हम कहली x is above y किंतु एही सिचुएशन रे जदी हमें एक्स इज ओवर वाय को व्यवहार करबा ताहा भूल हेइबो। एही परिभाव रे जदी कोनसी गुटे वस्तु अन्य एक वस्तु रो उपरे बा डायरेक्टली सीधा अछि सेही समय रे हमें एबव को मध्य व्यवहार करि परबा ओवर को मध्य व्यवहार करि परबा किंतु जदी कोनसी गुटे वस्तु तार डायरेक्टली सीधा न थाय ता स्तर रो उपरे थाय सेही समय रे हमें एबव को व्यवहार करबा। जेमिति कि जदि मु कहली द फैन इज एबव द टेबल किंबा द फैन इज ओवर द टेबल किंतु एही सिचुएशन रे द फैन इज एबव द टेबल एहा करेक्ट किंतु जदि हम कहबा द फैन इज ओवर द टेबल एहा रॉन्ग हेइबो। एहा तिला एबव एवं ओवर भितरे थिबा डिफरेंस तापरे चलंतु देखिबा ओवर रो आउ केते गुडिये यूजर्स ओवर रो उपर अर्थ छाड़ी की आउ गुटे अर्थ हला उपरु। जेते बेले कोनसी गुटे वस्तु अन्य गुटे वस्तु रु गतिशील अवस्था रे जाए सेही सिचुएशन रे हमें ओवर को व्यवहार करिबा। जेमिति कि जल्दी मु कहली रमेश दौड़ी उपरु डेइला अर्थात दौड़ी उपरु एही जो उपरु रो सेंस आसुची सेही समय रे हमें ओवर को व्यवहार करिबा। जेमिति कि रमेश जंप ओवर द रूफ रमेश जंप ओवर द रूफ दौड़ी ऊपर एही सिचुएशन रे रमेश टी गतिशील अवस्था रे ता ऊपर गला से सिचुएशन रे हमें ओवर को व्यवहार करिबा। हेलीकॉप्टर टी मो घर ऊपर उड़ुची हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर माय हाउस तापर चलन तो देखिबा एबव रो आउ केते गुडिये व्यवहार एबव को हमें कोनोसी सूची बा लिस्ट किमा कोनोसी लेवल बा स्तर एही सिचुएशन रे मध्ये हमें व्यवहार करता माने करंतु गोटे जगह रे बहुत गुडे ना लेखा है जी एवं सही ना गुड़ी का गोटे ना पुरे गोटे ना पुरे गोटे ना एही पुरे ओरे लेखा है जी सही लिस्ट बा सही सूची रे हमें जदी गोटे ना आ गोटे ना ऊपर किंबा आ गोटे ना तले एही ऊपर एवं तल एही सेंस आसीला समय रे हमें एबव एवं बिलो को व्यवहार करबा। जेमिति कि जदि मु कहली मो ना रमेश रो ना उपरे अछि माय नेम इज एबव रमेश नेम एवं ए सेंटेंस रे जदि हमें बिलो को व्यवहार करबा रमेश नेम इज बिलो माय नेम जदि मु कहली मु मो ना शेष लाइन तले लेखिली आई रोट माय नेम बिलो द लास्ट लाइन तार मुंड पानी उपरे अछि एई समय रे हमें स्तर रो सेंस आसुची तेनु स्तर रो सेंस रे मध्ये हमें एबव को व्यवहार करिबा। तार मुंड पानी उपरे अछि हिज हैट इज एबव वाटर
जदि मु कहली घर टी ह्रद स्तर ऊपर अछि द हाउस इज अबव द लेक ए सिचुएशन रे आमे ऊपर सेंस रे ओवर को व्यवहार करि परिबा नाही। ओवर रो आउ कते गुडी एग्जांपल हला द रूफ इज ओवर आवर हेड छात टी आमो मुंड ऊपर अछि अर्थात स्ट्रेट ऊपर अछि। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर अर्थात रिवर रो डायरेक्टली ऊपर से ब्रिज टी अच्छी।